कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने यौन शोषण का आरोप में घिरे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को लेकर मोदी सरकार पर तनाज कसा। रविवार को सिब्बल ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी से पूछा, अगर चिन्मयानंद कांग्रेस में होते तो क्या होता। उन्होंने चार विकल्प भी बताए। पहला, चिन्मयानंद को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया होता। दूसरा, भाजपा पार्टी से निलंबन की मांग करती। तीसरा, गोदी मीडिया हेडलाइन चलाती कि देश जानना चाहता है। और चौथा, प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर अब तक बयान दे चुके होते। छात्रा ने चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया। पिछले महीने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश स्थित चिन्मयानंद के लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने उन पर एक साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। आरोप लगाने के बाद छात्रा लापता हो गई थी और कुछ दिनों बाद राजस्थान में मिली थी। चिन्मयानंद ने छात्रा के आरोपों का खंडन किया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। कोर्ट ने छात्रा को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। 16 सदस्यों की एसआईटी कर रही है आरोपों की जांच। विशेष जांच टीम एसआईटी पिछले दिनों चिन्मयानंद से लंबी पूछताछ कर चुकी है। इसी बीच चिन्मयानंद का एक कथित वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। आरोप लगाने वाली छात्रा ने एसआईटी को साक्ष्यों से संबंधित 64 GB की एक माइक्रोचिप भी सौंपी है, लेकिन अभी तक चिन्मयानंद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिब्बल ने कुलदीप सेंगर का मामला भी उठाया था। इससे पहले कपिल सिब्बल दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर का मुद्दा भी उठा चुके हैं। कांग्रेस नेता ने केंद्र पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ राजनीतिक बदले से कार्रवाई करने और अपने नेताओं को बचाने का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रश्न उठाया था कि वह भाजपा कुलदीप सेंगर का समर्थन क्यों कर रहे हैं।